दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते होइएगा कि बहुत सारा मार्केट में चाइनीज़ एक्सटेंशन बोर्ड आ गया है और वो बोर्ड बार बार ख़राब होता है, आपको मोबाइल चार्ज करने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। उस समस्या को हम दूर करने के लिए एक इंडियन मोबाइल चार्जिंग स्पेशल बोर्ड लेकर आए हैं, जिस बोर्ड के माध्यम से आप अपने बेड पर ही मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। इस ठंड के मौसम में आपको उठना नहीं पड़ेगा, तो आप भी इस प्रकार का एक एक्सटेंशन बोर्ड बना डालिए और अपने घर पे अपने बेड पे ही मोबाइल चार्ज कीजिए बिना बेड छोड़े हुए। तो चलिए हम इसका वायरिंग करके और बना करके दिखाते हैं जो आपको किस प्रकार से एक्सटेंशन बोर्ड बनानी है और बहुत ही सस्ता कीमत में आप अपने घर पे बना सकते हैं। दोस्तों इस बोर्ड को आपको मार्केट की कोई भी चाइनीज बोर्ड जो आता है वो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलिए हम इसको वायरिंग करके दिखाते हैं। तो ए एल यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लाइन वाली फेज वाली वायर हो गया और यहाँ पे एन लिखा हुआ है यानी कि न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है। ये ठंडा और ये गर्म, तो हमें गर्म वाली फेज में एक वायर जोड़नी है दोस्तों। और इस फेज का जो गर्म वाली फेज की जो वायर है उस वायर को मुझे स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक्सटेंशन बोर्ड के लिए जितना आपके घर में जो मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है उससे आपकी बेड की दूरी कितना है, अगर आप बेड पे मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आपकी बेड की दूरी कितना है उस हिसाब से कुछ मीटर वायर ले लेंगे। तो चलिए अब मुझे न्यूट्रल वाली फेज में ब्लैक वाली वायर जोड़ना है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है ताकि कभी भी मिसमाइंड ना हो। न्यूट्रल वाली फेज में हमने ब्लैक वायर जोड़ दिया और एल वाली फेज जिसे हमने स्विच में कनेक्ट किया था उसमें हमने रेड वायर जोड़ दिया। अब दोस्तों आप लोग सोचते होइएगा जे इस वायरिंग का क्या मतलब हुआ, अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम रेड वाली वायर से गर्म वायर यानी कि फेज की सप्लाई बोर्ड में दे रहे हैं और ब्लैक वाली वायर से न्यूट्रल वायर की सप्लाई बोर्ड में दे रहे हैं, तो जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो फेज वाली वायर कट जाएगा और ये अर्थ वाली वायर इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो उस पीरियड में क्या होगा कि अगर हम बोर्ड में अगर बाई चांस कुछ सट भी जाता है, हमें टचेट भी हमारे बॉडी से हो जाता है, तो मुझे करंट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सटेंशन बोर्ड को करते हैं तैयार बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए हुए। चलिए इसे हमें आप कर लेना है फिटिंग। अब दोस्तों इसमें सप्लाई लेने के लिए, इस एक्सटेंशन बोर्ड में सप्लाई लेने के लिए मुझे एक टू पिन टॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम टू पिन टॉप भी हमने ग्रेट वाइट का लिया है और इसे हम करते हैं फिटिंग। दोस्तों एक्सटेंशन बोर्ड बन करके हो गया तैयार। अब आपको ठंड भी आ जाए, चाहे जितना भी ठंड आ जाए, ठंड का भाप भी आ जाए, तो भी आपको बिस्तर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप मेन इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड में लगा दीजिए और इसको अपने बेड पर रख लीजिए, इसमें मोबाइल चार्जिंग में लगाइए और बिंदास मोबाइल चार्जिंग का लुत्फ़ उठाइए। आपका मोबाइल भी डाउन नहीं होगा और ठंड का भाप भी आ जाए तो भी आपको बिस्तर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।